हेलो दोस्तों, आज हम कवि दोष के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि विषव गुण दोष में है, अर्थात सृष्टि की रचना में गुण है तो दोष भी है, किंतु वह काव्य रचना में निर्दोषता पर बल दिया जाता है। कवि को अपनी रचना में दोषों से बचना चाहिए, ऐसा आचार्य ने परामर्श दिया है। अग्नि पुराण के रचयिता ने कविता को निर्दोषा दोष वर्जित कहकर दोषों से बचने की आवश्यकता बताई है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है, जो काव्य के रस को हानि करती है। जैसे सुंदर भोजन में यदि कंकड़ आ जाए तो भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है, वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाए तो काव्य के समस्त आनंद को नष्ट कर देता है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षण इस प्रकार है। वामन ने क्या कहा है? गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं, जो गुणों के विरोधी होते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोष। विश्वनाथ ने क्या कहा है? रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली बातें ही दोष हैं। मोमट ने क्या कहा है? काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की ही दोष है। जयदेव ने क्या कहा है? उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। दोषों के भेद, दोषों के कितने भेद हैं? तीन। शब्द दोष या पद दोष, वह दोष जो किसी शब्द में हो, शब्द को थोड़ा बदल देने से या पर्याय शब्द द्वारा बदल देने से शब्द दोष दूर हो जाता है। क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला में शब्द में जयुत संस्कृति अर्थात व्याकरण विरुद्ध दोष है। तात्पर्य यह है कि उजाला में का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है। खिले फूल सब गिरा दिया है, यहाँ फूल बहुवचन है और गिरा दिया एक वचन है, अतः यह व्याकरण के विरुद्ध दोष है। गिरा दिया है के स्थान पर गिरा दिए हैं कर देने से दोष दूर हो जाएगा। यहाँ गिरा दिया है शब्द समत दूषित नहीं है, पर फूल शब्द के साथ आने से दूषित है। वाक्य दोष, वाक्य दोष कैसे होता है? जो दोष वाक्य के अनेक शब्दों में या वाक्य की रचना में हो, प्रथम प्रकार का वाक्य दोष दूषित शब्दों को बदल देने से और द्वितीय प्रकार का वाक्य दोष वाक्य रचना को बदल देने से दूर हो जाता है। मंदिर अरध अवधि हरी बदी गई, हरी आहार चली जात। इसमें मंदिर अरध और हरि आहार का पक्ष और मास अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता, तय क्लिष्ट दोष है। दो शब्दों में दोष होने से यह वाक्य दोष हुआ। इसमें दूषित शब्दों को पर्याय शब्दों में बदल देने से दोष दूर हो जाएगा। ए मानुषी भूमि अबानरी करउ, वक्ता का अभिप्राय है कि भूमि की अमानुषी मनुष्यों से हीन और अबानरी बंदरों से हीन कर दूंगा, पर उक्त चरण में शब्द योजना ऐसी है कि अमानुषी मनुष्यहीन भूमि को बंदरों से हीन कर दूंगा, यह अर्थ ध्यान में आता है। इस प्रकार वाक्य में शब्द योजना दूषित होने से यहाँ वाक्य दोष हुआ। यहाँ अमानुषी शब्द को भूमि के बाद कर देने से दोष दूर हो जाएगा। अर्थ दोष, जो दोष अर्थ से संबंध रखता है, अर्थ दोष शब्द या शब्दों को पर्याय शब्द में बदल देने पर ही बनता है। दृश्य बड़ा था चारू मंजू सुंदर मनमोहन, यहाँ मंजू सुंदर और मनमोहन का वही अर्थ है जो चारू का, अतः यहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हुई है और पुनरुक्त नामक दोष है। इन शब्दों को पर्याय शब्दों में बदल देने पर भी दोष बना रहेगा। इनके अतिरिक्त रस दोष और अलंकार दोष भी माने गए हैं, वस्तुत ये दोनों अर्थ दोष ही हैं। दोष परिहार, दोष सदा ही दोष नहीं होते, कभी कभी वे निर्दोष भी हो जाते हैं और कभी कभी तो वे गुण भी बन जाते हैं। अनुकरण में सभी दोष निर्दोष होते हैं, अनुकरण के अतिरिक्त कुछ विशेष स्थितियों में कोई दोष निर्दोष हो जाते हैं और अन्य स्थितियों में गुण बन जाते हैं। कुछ दोष अनुकरण के अतिरिक्त कभी निर्दोष नहीं होते, ऐसे दोषों को नित्य दोष कहते हैं, जैसे संयुक्त संस्कृति कर्म आदि। दोष कब निर्दोष या गुण होते हैं, इसके लिए आगे दोषों की सारणी देखिए। प्रमुख दोषों का विवेचन, तयुत संस्कृति दोष, जब व्याकरण विरुद्ध व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो संस्कृति का आशय यहाँ व्याकरण से है। क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला में के स्थान पर उजाले में होना चाहिए। राजे विराजे मख भूमि में, यहाँ राजे के स्थान पर राजा होना चाहिए। उमड़ते पड़ते सर्ववृंद थे, उमड़ते पड़ते थे शब्द दूषित है, उमड़े पड़ते थे होना चाहिए। खिले फूल सब गिरा दिए, इसमें गिरा दिया के स्थान पर गिरा दिए होना चाहिए। निकट अति अनूठे नीप फूले फलों के, नीप फूले फलों के स्थान पर फूले फले नीपों के होना चाहिए। श्रुति कटुत्तम दोष, जब कानों को उद्वेग जनक ब्रश वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण साधारणतः पुरुष और श्रुति कटु होते हैं। कप की एक टक टक डटी रही डटिया अंगुरिन दारी, यहाँ श्रृंगार रस के प्रसंग में टवरक के पुरुष वर्णों वाले शब्दों एक टक टटी टटिया का प्रयोग कानों को उद्वेगजनक है। पावन पावन पद वंदन करके प्रभु तब कर्त्यार्थ मिले मुझे, यहाँ कर्त्यार्थ शब्द
करण कटु है, अर्थात ये कानों को कड़वा लगने वाला है। शीतल शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य है, उर्मेला जल निश्चल प्राण पर सतदल। यहाँ पर वीर रोदर आदि के प्रसंग में श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग दोष नहीं वरन गुण माना जाता है। अप्रति तत्व दोष, जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता हो। तत्व ज्ञान पाकर हुए आश्य दलित समस्त, यहाँ आश्य का विपरीत अर्थ वासना है, पर इस अर्थ में यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। इसका यह अर्थ योग शास्त्र में ही प्रसिद्ध है। ही यह तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव, यहाँ अनुभव का अर्थ चेष्टाएं हैं, पर इस शब्द का अर्थ अलंकार शास्त्र में ही परिभाषित शब्द के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह इसका साधारण अर्थ नहीं है। क्लिष्टतव दोष, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, अर्थ समझने के लिए बहुत माथा पच्ची करनी पड़े, तो वहाँ पे क्लिष्टतव दोष होता है। हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति ने फिर, इस पंक्ति में हेम सुतापति वाहन शब्द का सहज ध्यान में नहीं आता। हिमालय की सुता पार्वती के पति शिव के वाहन अर्थात बैल अर्थात मूरख। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए हरि आहार चली जात, कृष्ण मंदिर के अर्ध भाग की अवधि बताकर गए थे पर सिंह के आहार बीते जा रहे हैं। यहाँ मंदिर अर्ध का अर्थ 15 दिन और हरि आहार का अर्थ महीना सहज ही समझ में नहीं आता। मंदिर का आधा अर्थात एक पक्ष अर्थात 15 दिन, हरि अर्थात सिंह का आहार, मांस अर्थात मांस, ये और कारण देख लेना। लंकापुरी पति को जो बराता तासु प्रिय नहीं आवती, लंकापुरी का पति अर्थात रावण उसका भाई कुंभकर्ण उसकी प्रिय अर्थात निंद्रा। सारंग ले सारंग चलो सारंग पुगो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए। अजा सहली तारिपु जननी बरतारता के सूत के मीत को सुमेरी बारंबार। ग्राम्यतव दोष, जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गवारु शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जब शब्द गवारु न होने पर भी वाक्य का भाव गवारु हो जाए तो ग्राम्यतव दोष होता है। मूड पे मुकुट दरे दरे सोहन गोपाल, इसमें मूड शब्द गवारु है जिसमें प्रयोग श्रेष्ठ साहित्य में नहीं होता। मचक मचक मत चलो, इसमें मचक मचक शब्द गवारु है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं, यहाँ द्वार शब्द ग्रामीण बोलचाल का है। अश्लील तत्व, जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो लज्जा या जुजुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो, या जब वाक्य का भाव भाव जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो, वहाँ पर अश्लील दोष में शब्द या वाक्य के प्राय दो अर्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ जो प्रसंग में लगता है, दूसरा व्यंग्यार्थ जो दमनित होता है। यह दूसरा अर्थ ही जुगुप्सा या अमंगल का बोधक होता है। जुगुप्सा व्यंजक, रावण ने दरबार में स्थित अंगद का पाद, यहाँ पाद शब्द जुगुप्सा व्यंजक है, पाद का वाच्यार्थ है पैर और व्यंग्यार्थ है अपान वायु जिसे पाद भी कहा जाता है। उड़कर धूल पड़ी आंखों में दे वायु प्रिय ने सहलाई, यहाँ वायु देना का अर्थ है फूंक देना, पर उसका अर्थ अपान वायु निकलता भी होता है। दूसरे अर्थ में यह शब्द जुगुप्सा व्यंजक है। अमंगल व्यंजक, अभी प्रेत पद प्रिय ने पाया, यहाँ अभी प्रेत पद पाया का अर्थ है अविशिष्ट पद प्राप्त किया, पर इसमें आए प्रेत पद पाया शब्दों से मर गया अर्थ भी दमनित होता है। न्यून पदत्व, जब वाक्य में आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न किया जाए तो आवश्यक शब्द की न्यूनता कमी के कारण यह दोष होता है। सरजय ही जिन है सांग पर गाऊ, परा खड़ग जनु बरा निहाऊ, अभिप्रेत अर्थ है कि खड़ग सांग पर इस प्रकार पड़ा मानो निहाई पर पड़ा हो। यहाँ निहाऊ के आगे ऊपर का वाचक कोई शब्द अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है, उसके न होने से ठीक अर्थ नहीं समझा जा सकता, फिर भी उसका प्रयोग कवि ने नहीं किया। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी, प्रीति परिछाती हुन की बैर बैर बीती कर्म जानी। उत्तम मध्यम और अधम जनों की प्रीति कर्म से पत्थर रेत और जल के समान होती है, और उनका बैर इसके विपरीत अर्थात कर्मस्या जल रेत और पत्थर के समान होता है। यहाँ ऊपर बनी हुई रेखा शब्द अर्थ को ठीक से समझने के लिए आवश्यक है, पर कवि ने उनका प्रयोग नहीं किया। जंग छपा कदली हुई बारी, जंगा के सामने केला बाड़ी में जाकर छिप गया, यहाँ सामने जैसा कोई शब्द अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है। पानी पावक पवन पर बू जो असाधु त्यों साधु, जल अग्नि पवन और राजा जैसे बुरे के साथ वैसे ही भले के साथ है। यहाँ असाधु और साधु के प्रति
और सात जैसा कोई शब्द अर्थ समझने के लिए आवश्यक है, पर उनका प्रयोग नहीं हुआ है। जब वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाए, अर्थात अपेक्षा से अधिक शब्द का प्रयोग हो, तो यह दोष होता है। मन मेरा सप्टिकाकृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। सप्टिकाकृति निर्मल का अर्थ है सप्टिक मणि के समान निर्मल। इस अर्थ को देखने के लिए सप्टिक निर्मल शब्द ही पर्याप्त है, अतः आकृति शब्द अनावश्यक या अधिक है। लिप्टि पुहुम पराग में शनि सेद मकरंद। यहाँ पुहुम शब्द अधिक है और पराग तो पुह पुष्प का ही होता है, यहाँ तक बहु अधिक पद शब्द है। अकर्म तत्व। जब वाक्य में शब्द का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो। ए मानुषी भूमि ए बानरी करो। भूमि को मनुष्य और बानरों से हीन कर दूंगा। यहाँ ए मानुषी शब्द भूमि के परव पूर्व नहीं किंतु पीछे आना चाहिए, अन्यथा यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य हीन भूमि को बानरों से रहित कर दूंगा। सीता जी रघुनाथ को अमल कमल की माल पिहराई जनु सबन की हरद्यावली भोपाल। यहाँ की विभक्ति प्रत्यय भोपाल शब्द के बाद आना चाहिए। थ्री सरव में अधिक मंजुल मधुकारी जादू बरी मुर्किला पति राधिका की। यहाँ पति और पति शब्द राधिका के बाद आना चाहिए। घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, यहाँ जननी हरि शब्द के शब्द में हरि शब्द जननी के पूर्व होना चाहिए। संस्कृत के साहित्यकारों ने अकर्म दोष केवल निपात शब्दों के अनुचित कर्म में ही माना है। दुष्कर्मता दोष। जब कर्म शास्त्र अर्थात लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। खगराज अर्थात गरुड़ का वेग मारुत पवन से अधिक पर मन से कम होता है, अतः खगराज का उल्लेख मन के पूर्व होना चाहिए। अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख व्यर्थ है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। मतंग तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है, अतः पहले मांग मतंग की होनी चाहिए, तो तुरंग नहीं देता वह मतंग कैसे देगा। पुनरुक्त। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर कही जाए। दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। यहाँ मंजू सुंदर और मनमोहन आवश्यक हैं, क्योंकि वे रम्य शब्द के अर्थ की ही पुनरुक्ति करते हैं। मूर्छित परिशुद्धि नाही। मूर्छित होना और शुद्ध नहीं रहना दोनों का एक ही अर्थ है, तो यहाँ अर्थ की पुनरुक्ति है। कोमल कथन सभी को बातें अच्छे लगते हैं। मधुर वचन। कई बार शब्द की पुनरुक्ति काव्य की स्वभावृद्धि करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कारक भी बन जाती है। हत वृंत छंदो भंग। जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए, इसमें या तो छंद के लिए नियत मात्राओं या वर्णों की संख्या या गणों की व्यवस्था नियम के अनुसार नहीं होती, यति भंग होता है या गति भंग होता है, या रस के अनुकूल छंद का प्रयोग होता है। तुम बेटी जीवन में आई, सुख की झोली बरलाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई। यह ताटक छंद के दो चरण है। ताटक छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 14 की यति में 30 मात्राएं होती है। ताटक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 30। यहाँ पहले चरण में तो मात्राएं ठीक है, पर दूसरे चरण में 16 और 12 की यति में 28 मात्राएं हैं। इस प्रकार दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या नियम के अनुसार नहीं है। प्यारे के पाँव मुख मुरली नाद जैसा उन्हें पा। यहाँ चरण मंदा क्रांता छंद का है, जिसमें 4-6 और 7 की यति से 17 वर्ण होते हैं। यहाँ चौथा वर्ण पा, जिसमें पहली यति पाँव शब्द के बीच में पड़ती है। छंद में यति शब्द के बीच में नहीं पड़नी चाहिए, इससे यति भंग दोष होता है। इस प्रकार इस उदाहरण में यति के नियम का पालन नहीं किया गया। ये और उदाहरण दिए गए हैं। दो समाज निमिराज रघु राज नहाए प्रात। ये दोहे के दो चरण हैं। यहाँ पहला चरण रघु पर समाप्त होता है, जिसमें रघुराज शब्द टूट जाता है। आधा पहले चरण के साथ पढ़ा जाता है और शेष आधा दूसरे चरण के साथ। यह भी छंद के नियम के विरुद्ध है। इसमें अर्थ को शीघ्र हृदयगम करने में बाधा पहुँचती है। ये चौपाई छंद का चरण देख लेते हैं। राम लक्षण जले वनवासा। यहाँ चौपाई छंद का चरण है, जिसमें 16 मात्राएँ होती हैं। इस चरण में मात्राएँ तो पूरी हैं, पर यह चौपाई की बात ही नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें चौपाई की गति नहीं है, इस प्रकार यहाँ गति भंग दोष है। गति छंद के प्रवाह या लय को कहते हैं। प्रत्येक छंद को अपनी गति होती है, जो उसे वह छंद बनाती है। श्रृंगार छंद में भी 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई के चरण में भी 16 मात्राएं होती हैं, पर दोनों की गति अलग अलग होती है। इसी प्रकार हृदय गति का और सार दोनों के चरण 28-28 मात्राओं के होते हैं, पर दोनों की गति सर्वथा भिन्न होती है, जिससे उनकी तुरंत पहचान लिया जाता है। कई एक छंद कुछ रसों के लिए उपयुक्त और दूसरों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। रस के अनुपयुक्त छंद में उस रस का वर्णन करने में ही हतवरित दोष होता है। जैसे कटका या पंचामर वीर रस के उपयुक्त छंद हैं, वे श्रृंगार के लिए
उपयुक्त नहीं है। दो दक छंद हास्य के लिए उपयुक्त है, उसमें श्रृंगार का वर्णन किया जाए तो प्रतिकूल प्रभाव होगा। इसी प्रकार भैरवी छंद वीर रस के लिए अनुपयुक्त है। मंदा क्रांता करुण और वियोग श्रृंगार के लिए विशेष उपयुक्त है। काव्य दोषों की पारस्परिक अंतर, संयुक्त संस्कृति और अकर्मता दोष दोनों का संबंध व्याकरण विरोध से है। संयुक्त संस्कृति में शब्द का रूप दूषित होता है, या तो शब्द का रूप अशुद्ध होता है या वाक्य में जो रूप होना चाहिए वह नहीं होता। अकर्म में शब्दों का क्रम दूषित होता है, वाक्य में शब्द जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता। संयुक्त संस्कृति दोष, सन बर रहा उजाला में, उजाले में खिले फूल सब गिरा दिए हैं। अकर्मतव अमानुषी भूमि अबानवरी करई, अकर्मतव और दुष्कर्मतव दोष दोनों में कर्म दूषित होता है। अकर्मतव में कर्म व्याकरण के दृष्टि से दूषित होता है, दुष्कर्मतव में कर्म तर्क या शास्त्र या लोक की दृष्टि से दूषित होता है। अकर्मतव अमानुषी भूमि अबानवरी बानवरी करो, दुष्कर्मतव राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। क्लिष्टतव और अप्रतीकतव दोष दोनों में अर्थ सरलता से समझ में नहीं आता। अप्रतीकतव में शब्द का प्रयोग शास्त्र विरोध से परिभाषित अर्थ में होता है, अतः जो उस शास्त्र का ज्ञाता नहीं होता उसके ध्यान में अर्थ नहीं आता। पर क्लिष्टतव में परिभाषित शब्द का प्रयोग नहीं होता फिर भी अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता, पर माथापच्ची करने पर वह प्राय ध्यान में आ जाता है। प्रतीकतव तत्व ज्ञान पाकर हुए अस्य दलित समस्त, योगशास्त्र में अस्य का अर्थ यह है वासना। क्लिष्ट तत्व, हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फिर, हेम सुतापति वाहन क्या क्या था, बैल और मूर्ख। ग्राम तत्व और अश्लील तत्व दोनों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनका प्रयोग शिष्ट समाज में नहीं होता। ग्राम्य में असंस्कृत जनों द्वारा प्रयुक्त शब्द या भाव का प्रयोग होता है। अश्लील में जुगुप्सा या अमंगल व्यंजक शब्द या भाव का अश्लील शब्द सभ्य समाज में बोलने से योग्य नहीं होते, आपत्ति योग्य माने जाते हैं। ग्राम्य शब्द आपत्ति योग्य नहीं होते फिर भी संस्कृत समाज में उनका प्रयोग नहीं होता। ग्राम्य मूड पे मुकुट दरे सोहत है गोपाल, अश्लील तत्व रावण के दरबार में स्थित अंगद का पद। अश्लील में प्राय शब्द में वाक्य होता है और दूसरा या अप्रस्तुत अर्थ ही क्रीड़ा और विरडा और जुगुप्सा का व्यंजक होता है। ग्राम्य में शब्द या वाक्य का अर्थ नहीं होता। पुनरुक्त और अधिक पद्यतव दोनों में अनावश्यक शब्द होते हैं। पुनरुक्त में अनावश्यक शब्द या शब्दों का अर्थ पहले के किसी शब्द या शब्दों में आ चुका होता है। अधिक पद्यतव में अनावश्यक शब्दों का अर्थ वाक्य के किसी अन्य शब्द में आया हुआ नहीं होता। अनावश्यक शब्द पुनरुक्ति के कारण नहीं किंतु शब्द अनावश्यक होता है। पुनरुक्त मूर्छि परिशुद्धि नाही, अधिक पदत्तव मन मेरा सबकी कृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव, ये इसकी सारणी है। ये देखिए काव्य दोष की परिभाषा की सारणी। संयुक्त संस्कृति पद वाक्य श्रुति कटत्तव पद वाक्य अप्रतीतव पद वाक्य और क्लिष्ट तत्व पद वाक्य। संयुक्त संस्कृति में व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग होता है। कानों को कटु लगने वाले शब्दों या शब्दों का प्रयोग होता है। ये अप्रतीतव में ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होते हैं। क्लिष्ट तत्व में ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग जिनका अर्थ सहज ध्यान में न आए। ये ग्राम तत्व, अश्लील तत्व और न्यून पद तत्व और अधिक पद तत्व, ये इसकी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लेना। ये उदाहरण तो हम कर चुके हैं। अकर्मतव, हतवृत्त तत्व और दुष्कर्मतव और पुनरुक्त, ये रस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।